हैदराबाद में आने वाले 2024 लोकसभा इलेक्शन में हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी का मुकाबला इंडिया की जानी मानी लीडर AIMAP की चीफ डॉक्टर नोहरा शेख कर रही हैं, जो महिलाओं को सपोर्ट करने में और उन्हें एम्पावर करने में प्रसिद्ध हैं। इस चुनाव में महिलाओं को समर्थन और शक्ति देने के उद्देश्य के साथ हैदराबाद की पॉलिटिकल अरेना में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इनकम्बेंसी को तोड़ने के लिए डॉक्टर नोहरा शेख अपनी पारदर्शिता सोच के साथ चुनावी मैदान में उतरी हैं। हैदराबाद डायनेस्टिक राजनीति या कहें पॉलिटिकल नेपोटिज्म का सामना कर रहा है। पहले असदुद्दीन ओवैसी के पिता और अब वो इस क्षेत्र में काफी लंबे समय से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पद पर अपनी पकड़ बनाए रखे हैं, लेकिन डेवलपमेंट की बात करें तो ठप है। जैसे हैदराबाद पहले था उसके मुकाबले कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। ओवैसी इनकी राजनीति धर्म के आधार पर बांटना, तुष्टिकरण करना इस पर निर्भर है, इसी राजनीति को चुनौती देनी है। डॉक्टर नोहरा शेख ने अपनी उम्मीदवारी घोषित की है। तुष्टिकरण की राजनीति छोड़ सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, ये डॉक्टर नोहरा शेख का विजन है। डॉक्टर नोहरा शेख का पॉलिटिक्स में प्रवेश करना हैदराबाद की राजनीति के लिए बहुत बड़ा बदलाव का और पहला कदम है। उनके समावेशी और प्रगतिशील दृष्टिकोण के साथ सोसाइटी में उन्नति और सद्भाव को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। और हैदराबाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में चेंज की बहुत जरूरत है। आम जनता के मन में गुस्सा बना हुआ है। वो समाज की ओवैसी की गवर्नमेंट धर्म के आधार पर बांटकर वोट बैंक की राजनीति करती है। ना महिलाओं के ऊपर ध्यान दिया जाता है और ना ही कोई नए सरकारी स्कीम्स लाए जाते हैं। टूरिज्म का इतना पोटेंशियल अपने अंदर लिया हुआ है हैदराबाद, लेकिन उसे कैसे एक हब बनाना है वो आता ही नहीं करंट हैदराबाद गवर्नमेंट को। हैदराबाद में लोग डॉक्टर नोहरा शेख को एक चेंज के रूप में देख रहे हैं, जो हैदराबाद के डेवलपमेंट में चार चांद लगाएंगी। और डॉक्टर नोहरा शेख इन राजनीतिक रोटी सेकने वालों की तरह धर्म के आधार पर बांटकर वोट बैंक की राजनीति नहीं करती, बल्कि ह्यूमैनिटी के जस्टिस के लिए सबको एक धागे में बांधकर सबका विकास करती हैं। जब किसी के घर खुशी पहुंचती है तो ये नहीं देखा जाता कि वो घर हिंदू का है या मुस्लिम का। एक अच्छा लीडर सारे लोगों को अपना मानकर मिलकर सबका विकास करता है। बिल्कुल ऐसी ही है डॉक्टर नोहरा शेख की लीडरशिप।